राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। मीणा ने अपने इस्तीफे के कारणों और उनके द्वारा दिए गए संघर्षों पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, संघर्ष का अर्थ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। मैंने RAS राजस्थान स्टेट परीक्षा को पोस्टपोन करवाया। हमारे कार्यालय में मैं धरनार्थियों के पास गया और उनके पेपर का समय बढ़ाया। उन्होंने बताया कि अलवर में हॉर्टिकल्चर के हुए गबन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह जमीन कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन में CBI जांच की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने CBI जांच के आदेश भी दे दिए थे। मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफे के विषय में बताया, मैंने 5 जून को इस्तीफा दे दिया था, फिर 25 जून को भी दे दिया। बीच में मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने मना कर दिया और इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अंत में मैंने उन्हें मेल कर दिया, अगर अभी भी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो वह आगे देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं। बड़े नेता खूब मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी मिले हैं, CP जोशी मिले हैं, नड्डा जी ने मेरे को कल बुलाया है, कल मैं BL संतोष जी से मिल के आया हूँ। ये गलत बात है, मेरे तो बोलने से ही अधिकारी दौड़ते थे। नेता है पुराना, आपका रोल फिर देखने को मिलेगा है? जो पहले भाजपा विपक्ष में थी, जो रोल आपका था वो फिर देखने को मिलेगा है? भाजपा जब विपक्ष में थी, आप सड़कों पर संघर्ष करते थे, वही संघर्ष फिर देखने को मिलेगा। संघर्ष क्या होता है, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा, मैंने आपको जानते हो कि RAS का पेपर पोस्टपोन करवाना था हमारे राज में ही। मैं धरनार्थियों के पास गया और उनका पेपर का समय बढ़ा दिया। अभी हॉर्टिकल्चर में गबन हुआ था अलवर में, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो कैंसिल हो गई जमीन। मैंने जल जीवन मिशन में CBI जांच की मांग की थी, CBI की जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दे दिए। तो सरकार तक बात पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, पहुंचाऊंगा। तो आप आगे भी रखेंगे? कब दिया था आपने इस्तीफा, एक बार बता दें कब मिला? मैंने 5 जून को दे दिया था, फिर 25 जून को दे दिया था, मुख्यमंत्री जी से बीच में मिल लिया था, मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, तो अंत में मैंने उनको मेल कर दिया। डॉक्टर साहब अभी भी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो फिर क्या रहेगा? अब देखेंगे आगे। अभी आप ये कहोगे अभी मेयो नहीं बरस सकता, आप आगे जाओगे तो बरसात बरस। इस्तीफा वापस ले सकते हैं? ने ये कहा है कि उनकी कोई वापस ले सकते नहीं करता था, वो BJP के वरिष्ठ नेता है, उनकी सुनता नहीं था। वो कोई वक्त नहीं करे, आप तो वक्त कर रहे हो, सब यहाँ पर आ गए।